हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ वॉलपेपर्स जो कि वॉल में लगाए जाते हैं ताकि बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लग सके। ठीक है, मैंने पहले ये वाला मैंने अनबॉक्स करके आपको दिखाया था, ये वाला बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। और ये बैकग्राउंड मैं काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने वीडियोज में, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि और एक बैकग्राउंड बनाऊ यहाँ पे, ठीक है, ताकि वीडियोज थोड़ा और अच्छे से लग सके। इस बार मैंने प्लेन कलर्स मंगाए हैं ताकि उसमें चीजें मतलब धीरे धीरे कॉन्टेंट वगैरह ऐड करके धीरे धीरे और ही प्रोडक्ट्स में ऐड करके और खूबसूरत बना सकूं। तो जो मेरा पिछला वॉलपेपर रिलेटेड वीडियो था उसमें ऑलमोस्ट 8 लाख के अराउंड व्यूज आ गए थे, तो उससे इंस्पायर्ड होकर ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि जो मेरे पास लेटेस्ट जो आइडियाज है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूं किस बेसिस पे मैं ये सब कर रहा हूँ और क्या क्या मैं अभी चेंजेस करने वाला हूँ, सब आपको इस वीडियो में दिखेगा। फिलहाल देख सकते हैं अभी कुछ इस टाइप की ये यहाँ पे सीन है, आप जब वॉलपेपर इसमें लग जाएगा तब देखिएगा कैसा लग रहा है ये। सो लेट्स बिगिन द अनबॉक्सिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन विद दिस वन। इसका जो प्राइस पड़ा वो साइड में दिख जाएगा और इसका साइज देख सकते हैं 45x500 सेंटीमीटर। सेम टू सेम और साइज भी सेम टू सेम ही होगा, 45x500 सेंटीमीटर। सेलर को दो अलग अलग शिपिंग चार्जेस ना देना पड़े इसीलिए एक ही में दोनों को चिपका दिया है। किन में साइज लिखा हुआ है 45x300 सेंटीमीटर। इसमें खास बात होता है पानी भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है सब में, इसे डेस्क पर वॉलपेपर ही लगा हुआ है। चाहे ये वॉलपेपर्स हो या फिर जितने मेरे फेवरेट वॉलपेपर्स है सबका लिंक आपको हमारे बायो मिल जाएगा, पूरा ही कलेक्शन का लिंक आपको हमारे बायो मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो इको प्रूफ फोम है इसको साइड करेंगे, तो वो कर रहे हैं, लेबर मंगाए हैं बाहर से दिल्ली से, देख सकते हैं गोरा गोरा लेबर, और वो इको नहीं एको है, डॉलर में पैसा लेंगे डॉलर में। गाइस मेरा जो ज्ञान भरी बातें हैं वो सब उचड़ने वाले हैं। वीडियो बैकग्राउंड स्टिकर टाइप कैसे भी रहता है लेकिन हम लोग अलग से सेल्फ एडिसिव बॉन्ड लेके आए हैं, जो की है ये सेल्फ एडेसिव बॉन्ड जरूरी होता है तो लंबा और टिकाऊ रहता है। मेरा पुट्टी मारा हुआ दीवाल नहीं है, नॉर्मल दीवाल है, ठीक है। तो दिस इज ओनली टू पीसेस, मैंने नाप तोल किया था साइज जो भी है और जो मैंने यहाँ का लेंथ ब्रेथ मतलब एरिया मैंने कैलकुलेट करके मंगाया था। एरिया कैलकुलेट करने का उपाय मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपने दीवार का लेंथ और ब्रेथ देख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए जो आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में करिएगा। उसके बाद इसका भी इस फिर इसका जो साइज आप पकड़ रहे हैं वहाँ पे, जैसे जैसे ये 400x45 है तो उसको मल्टीप्लाई एरिया कर डिवाइड कर दिए, जितना पीस आएगा वो उतना पीस उतना रोल आपको ही मंगाना पड़ेगा। तो अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे ग्लू लग रहा है, दया 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 ग्लू मारना है, उसके बाद फिर मारना है। ये कुछ ऐसा बैकग्राउंड है देख सकते हैं, अभी तक गाइस यहाँ तक स्टेज पहुंचा है देख सकते हैं, अभी और भरेंगे। अब इसमें थोड़ा मोड़ा मेरे को चीजें ऐड करनी है, हाइट थोड़ा सा इसमें डिजाइन वगैरह कार्डबोर्ड वगैरह ऐड करके जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखते हैं वो सब अलग काम अभी इसमें करना है। इनमें से अगर कोई भी एक रोल अगर आपके पास बच जाता है ना जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेस्क को डिजाइन करने के लिए, अपने पुराने अलमीराज को नया लुक देने के लिए, और बहुत लंबे टाइम से चलता है। मैंने काफ़ी टाइम 3-4 साल पहले एक मैंने अलमीरा में किया था, अभी तक उसका डिज़ाइन सही वैसे कि वैसे अच्छा दिख रहा है और नया यूनिक लगता है, प्रीमियम बन जाता है, ठीक है। तो उस तरह के वुडन वाले स्टिकर्स, अलग तरह के स्टिकर्स मैंने आपको अपने कलेक्शन में दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाए पूरा कलेक्शन का। सिर्फ दाम पैसे मत जाइएगा क्योंकि सेंटीमीटर भी आपको उसका आपको एरिया भी देखना पड़ेगा ना, कितना लेंथ कितना ब्रेथ है, उस हिसाब से दाम रहता है। ऐसा नहीं 100 का ले लेंगे तो बढ़िया आ जाएगा, तो मैं 100 सेंटीमीटर दे देगा आपको लेंथ में, ठीक है, वो तो छोटा सा दे देगा, और वहीं कहाँ 5 सेंटीमीटर आपको 250 मिल जाएगा। तो ऐसे मैंने पूरा कलेक्शन छाट के रखा हुआ है आपके लिए, वो कलेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन आपको हमारे कलेक्शन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से खरीद बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन हर जगह से, जो मेरे बेस्ट लगे जो मैंने ट्राई किए ऑलरेडी वो सारे मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं, और मेरे साथ जो बेस्ट है वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो जाइए वहाँ से बाय करिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देन बाय, हैव अ गुड डे।